नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला के जन्मदिन पर आज जजपा जिला प्रवक्ता सिकंदर गहली कार्यकर्ताओं के साथ नेत्रहीन कन्या विद्यालय और नंदी गौशाला पहुंचे। यहां सामाजिक कार्य के दौरान दिग्विजय चौटाला की लंबी उम्र की कामना की गई। जिला प्रवक्ता सिकंदर गहली सिंघाना रोड स्थित नंदी गौशाला पहुंचकर यहां नंदीशाला के केयर टेकर को गौमाता के भोजन के लिए चूरी के कट्टे सौंपे, फिर गौमाता को चारा खिलाकर आशीर्वाद लिया। यहां से मोहल्ला खड़खड़ी में स्थित हरियाणा नेत्रहीन कन्या विद्यालय पहुंचे। यहां विद्यालय के केयर टेकर से मुलाकात की और जरूरत के हिसाब से चार कमरों के लिए चार पंखे भेंट किए। साथ ही विद्यालय प्रबंधकों को अन्य जरूरत के सामान के लिए अवगत करवाने का आग्रह किया। इसके बाद कार्यालय में पहुंचकर युवा नेता दिग्विजय चौटाला के जन्मदिन पर केक काटा गया। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। आज जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिवस नारनौल में मनाया गया और उनके दीर्घ आयु और उज्जवल भविष्य की कामना की और उनको जन्मदिन की बधाई दी। श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 2013 में वो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद उन्होंने एक महीने पूरे प्रदेश में यात्रा करी और छात्र और युवाओं की समस्याओं को समझा और हजारों युवाओं को अपने साथ जोड़ा। उसी साल रोहतक में 10,000 कार्यकर्ताओं ने इंसो ने स्वैच्छिक अंगदान शिविर लगाया, जिसमें स्वेच्छा से 10,000 लोगों ने अंगदान किया और सहमति पत्र दिया, जिसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, जिसकी पूरे भारतवर्ष में खूब प्रशंसा हुई। उसके बाद कोरोना काल में दिग्विजय सिंह चौटाला को जैसे ही पता लगा कि कोरोना काल में लोग अस्पतालों में रक्त देने के लिए मतलब कतरा रहे थे, उस टाइम श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही दिन में 5,000 रक्त यूनिट एकत्रित करके अस्पतालों में भिजवाया। तो श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी, ये हमारी जननायक जनता पार्टी की शान है और इनको दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।